हेलो एवरीवन, बारिश के मौसम में पकोड़ी खाने का अलग ही मज़ा आता है। तो आज हम बनाएंगे पालक की पकोड़ी। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक गड्ढी पालक लिया है और मैंने इसको अच्छे से धोकर काट लिया है। अब हम इसमें कटी हुई हरी मिर्च, मैंने 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्च ली है और इसको हम इसमें ऐड कर लेंगे। और 2 ओनियन लिए हैं मैंने, जो मैंने गोलाई में काटे हैं, इसको गोल गोल करके वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और मैंने 4 से 5 कली लहसुन की ली है और उसको भी कूट लिया है। अब हम बेसन लेंगे, मैंने 1 कप बेसन लिया है। अब ये हम इसमें डाल देंगे। नमक स्वाद अनुसार लेंगे, हाफ स्पून मिर्च लेंगे, हाफ स्पून जीरा पाउडर लेंगे, हाफ स्पून हल्दी लेंगे, 1 स्पून नींबू का रस ऐड करेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे। ये हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है, अब हम इसको फ्राई करेंगे। देखिए हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम इसमें पकौड़ियाँ डाल देंगे। अब हम इनको चेक करेंगे, देखिए इनका कलर चेंज हो रहा है। अब हम इनको दूसरी साइड पलट लेंगे। हम इसको दोनों साइड से सेक लेंगे अच्छे से। देखिए ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और इनका कलर भी चेंज हो चुका है। अब हम इसको किसी बर्तन में निकाल लेंगे। पालक के पकोड़े बनके रेडी हो चुके हैं। हम इसको सॉस के साथ और टमाटर की चटनी के साथ सर्व करेंगे। आप भी घर पे बनाने का ट्राई कीजिए और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।